ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट के बाद एक अजीब सा माहौल पूरे भारतवर्ष में बना हुआ है, एंड दैट इज रियली नाइस। इन्होंने पोस्ट बहुत गलती से की थी, वेर इन शी वॉन्टेड टू सपोर्ट फार्मर्स, बट उसके साथ साथ जो एक्सपोजिंग इन्होंने गूगल डॉक्स दिया, सोचा भी बाद में कि अरे ये मैंने गलती कर दी, उसको डिलीट भी किया, लेकिन तब तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ कर चुके थे उसमें। दोस्तों कई दिनों से इस बात को मैं लेके बोल रहा हूँ और कई अन्य लोग भी इस पर बात कर रहे हैं कि जो ये फार्मर प्रोटेस्ट है ये किस हद तक गया, हम सब लोगों ने देखा किस हद तक भारतवर्ष को बुराई मिली, किस हद तक मैं कहूँगा गणतंत्र दिवस हमारा इन्होंने काले दिवस के रूप में बिल्कुल मनाने की एक प्लानिंग कर दी थी। और आज जब ये कल ट्वीट निकल के आया तो समीकरणें बहुत बदली हुई सी लगती हैं। कई हमारे डिज़ाइनर जो हमारे पत्रकार हैं वो इस बात को इस तरह से ले रहे थे कि विदेशों से भी मिल रहा है फार्मर प्रोटेस्ट को भरपूर सहयोग, और ट्विटर पे लंबी लाइनें लगी हुई थी ट्वीट्स की। रिहाना का ट्वीट आता है, देयर इज दिस गर्ल मिया खलीफा, वो भी ट्वीट कर रही है, और भी कई सारे सेलिब्रिटीज भी क्या कहूंगा मैं इन्हें, वो अपने अपने फील्ड्स में माहिर हैं, पर ये एक्टिविस्ट ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। इसने बिल्कुल से समझा दिया कि क्या ये सब प्लानिंग है और हम किस प्लानिंग का एक हिस्सा होने जा रहे थे। मतलब केवल 26 जनवरी ही नहीं, आगे तक की प्लानिंग का खुलासा है उसमें, किस तरह से आपको ट्वीट करना है, किस तरह से आपने वीडियोस बनाने हैं, किस तरह से आपको सपोर्ट करना है। मैं पहले भी दिन भी बात कर रहा था आपको, चाहे कैनेडियन पीएम की हम बात कर रहे हों जो इसको पूरा सपोर्ट कर रहे हों, यूके से इनको सपोर्ट मिल रहा हो, यूएस से सपोर्ट मिल रहा हो, ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि देश में जनता अब जागरूक है, जनता को पता है कि ये फार्मर प्रोटेस्ट के पीछे किन लोगों का हाथ है, वो क्या करने की मंशा रखते हैं, वो क्या चाहते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बताया, और जिन्होंने नहीं देखा होगा आप ये लिंक जरूर क्लिक कीजिएगा, उसमें देखिएगा कि किस तरह से जो ये फार्मर नहीं है और फार्मर होने का ढोंग रच के फार्मर्स के बीच में बैठे हुए और अपना उल्लू सीधा करते हुए जो दिखे, उन्होंने सारा माहौल खराब कर दिया। एक बात बताइएगा, कुछ लॉज पास हुए जिनको इम्प्लीमेंट अभी नहीं किया गया था, क्योंकि बीच में जो सुप्रीम कोर्ट से जो हियरिंग भी हुई थी उसके बाद भी बोला गया कि चलो कोई नहीं, आप कुछ दिनों के लिए इसको लागू नहीं करेंगे, पर उस पर भी किसान तैयार नहीं हुए। और ये किसान नहीं थे जो तैयार नहीं हुए, ये वो दल थे जो तैयार नहीं होना चाहते थे, क्योंकि इनको अपनी जेबें जो गर्म करनी थी या अपनी सियासत जो चलनी थी। आज सुबह का इंसिडेंट ले लीजिए, कहते हैं कर्मा पेज यू रियल वेल, कर्मा बहुत जल्दी आपको इंसिडेंट का रिप्लाई देता है। आपको ध्यान होगा 26 जनवरी को प्रोटेस्ट के दौरान एक किसान जो ट्रैक्टर चला रहा था वो एक्सपायर हो गया था, तो आज उसके घर पे भोज का आमंत्रण था। कांग्रेस पार्टी की बड़ी शख्सियत प्रियंका गांधी को, प्रियंका गांधी ने किस तरीके से इसको लिया, शी हैड 500 कार्स रैली लेके वो निकली रामपुर के लिए, और उससे पहले ही बीच रास्ते में हादसा हुआ, उनकी गाड़ी खराब हुई और पीछे जो भी गाड़ियां फ्लीट में आ रही थी वो एक के बाद एक टकराती चली गई। खैर अच्छी बात यह है कि कोई जानो माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कर्मा इंस्टेंट पे करता है। अगर आपकी नियत में कुछ खोट है किसी चीज को लेकर, तो वो रिप्लाई भी बहुत जल्दी देता है। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसमें क्षमा हमारा एक बहुत मूल आभूषण होता है, हम हर किसी को क्षमा करते जाते हैं, लेकिन हर स्थिति में नहीं। यहां पर स्थितियां बहुत गंभीर हैं, भारतवर्ष पर आलंचन लगाए जा रहे हैं, भारतवर्ष को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। जब उन्हें पता चला कि अब भारत में कोई लोग हमको सुनने वाले नहीं है, तो विदेशी एक्टर्स या कुछ को तो मैं नाम भी नहीं ले सकता, किस तरह की फिल्में करती हैं मियां खलीफा आपको पता है, वो सब सपोर्ट कर रहे हैं फार्मर्स को। नहीं, ये केवल एक एक राजनीतिक प्रेशर बनाने की कोशिश है भारत सरकार पर। और अगर हम
देख नहीं पा रहे इन चीजों को, तो हमें अपने कान खोलने होंगे, हमें देखना होगा कि ये सब हो क्यों रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है, यू टॉक अबाउट सचिन तेंदुलकर वॉज द फर्स्ट गाय जिन्होंने आज इस बार ट्वीट किया है, एंड ही वॉज इन सपोर्ट टू शो दैट इंडियन पीपल आर यूनाइटेड, हमें कोई ऐसे तोड़ नहीं सकता। और उसके बाद यहां भी ट्वीट 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 की लाइन लग गई, तो अब समझ में आ गया होगा विपक्ष को भी और उन सभी ठेकेदारों को जो फार्मर्स के ठेकेदार बने हुए हैं कि इतना आसान नहीं होगा। फार्मर्स की कुछ इश्यूज हैं, हम मानते हैं, हम समझते हैं उन चीजों को, जब उन पर वार्तालाप करनी चाहिए थी वो वार्तालाप हुई भी, और उसके बाद भी अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम बस एक फोन कॉल दूर हैं वार्तालाप से। तो ये फिर मैं जो थोड़ी देर पहले बात कर रहा था क्षमा, वही सब चीजें वो अपनी तरफ से दर्शाते भी हैं। अब देखना ये होगा कि इसको क्या मोड़ लेते हैं, पर हमें एज एन इंडियंस हमें ये समझना होगा कि जो ये बाहरी ताकतें हैं, बाहर के देश हैं और कुछ हमारे अंदरूनी लोग भी हैं जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी बयान दिए जा रहे हैं, कुछ भी चीजें करते पाए जा रहे हैं। कुछ एक दो यूट्यूबर्स भी हैं, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, और 100% श्योर है इस बारे उसका भी वीडियो जरूर आएगा और आप लोग देखेंगे भी जरूर। पर मैं यही कहूंगा, आप लोग इस वीडियो को, जो भी लोग देख रहे हैं, आप इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि उनकी बातें उन तक पहुंच पाए, और कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारा देश एक है, हम सब भारतवासी एक हैं, हमें कोई तोड़ नहीं सकता। मैंने ये बात पहले भी की थी, फिर से बोलता हूं कि फार्मर्स केवल हमारे पश्चिमी यूपी में या फिर कहें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या फिर पंजाब हरियाणा में नहीं है, फार्मर्स हमारे मुंबई में, महाराष्ट्र में भी हैं, आंध्रा में भी हैं, तमिल यू नो तेलंगाना में भी हैं, तमिलनाडु में भी हैं, कर्नाटका में भी हैं। वो फार्मर्स शांत हैं, ये फार्मर्स उग्र हो रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ तो इधर रीजन है। आप सब लोग समझें उस चीज को, अपने घरों में रहिएगा, सुरक्षित भी रहिएगा, और इस चीज को बिल्कुल समझदारी से निर्णय लीजिएगा कि हमें इस समय किस चीज का साथ देना है, उन बाहरी परिंदों का जो आज हमारे देश में आकर कुछ भी बातें करके चले जाते हैं, या फिर हमें देश के अंदर ही रहकर संगठित रहना है, एक होकर रहना है, और सभी जितनी भी बाहरी उपद्रवी समाज है उनसे अपने आप को और अपने समाज को भी बचाना है। नमस्कार, धन्यवाद।